हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। वालेकुम सलाम। क्या रे, ठीक है? क्या है आप लिख रही है? मैं इधर दुबई में, अभी इधर 10 बजे लेट बन हो जाते हैं, सो रहा है ना। अच्छा, भाई इतनी सांसें क्यों ले रहे हो? पकड़े अपनी, क्या हो गया, क्या कर रहे थे आप ऐसा जो इतनी सांस चढ़ी हुई आपकी? नहीं, हमारा तो इधर थोड़ा बॉडी भी बढ़ गया ना, इसलिए। बॉडी भड़क गई आपकी? क्या हो गया आपकी बॉडी को? इसलिए सांस लेना नहीं मुश्किल नहीं है, सांस भी लेता है। हाँ, अभी तो आप बड़ी सांसें ले रहे हैं, बड़ी बड़ी भर भर के। क्या हो गया, आप नीचे रंडी रंडी क्यों लिख रहे थे? रंडी कौन है? क्यों तुम आप ऐसा बात करते हैं? मैंने अभी तुम्हारा वीडियो हमने देखा। मैं तो अभी कुछ बोला भी नहीं, मैं तो अभी लाइव आई हूँ। रंडी किसको बोल रहे थे आप? आपकी कोई बहन है, कोई जानने वाली है? नहीं, आपको कह रहे हैं ना। मुझे क्यों कह रहे हो, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। कौन है आप? आप शक्ल भी नहीं दिखा रहे अपनी। कौन किसको नहीं जानते, मैं तो आपको जानती हूँ। क्यों, आप मुझको कैसे जानती हो? आप कब से जानती हो? खबर में बाहर जा तो आदमी सो रहा है। ये मेरे को जानती है? इतनी कैसे जानती है? गाइस जरा आवाज मारिए आप। जी सबर सबर। जी मैं सबर कर रही हूँ। दुपट्टा उतरते ही ना साइड बाय साइड होना शुरू हो जाती हूँ मैं। दुपट्टा वायन यही होना शुरू हो जाती हूँ मैं। पता नहीं क्या है, कहाँ गए आप? अच्छा चलो, लाइट आ गई। देखिए गाइस, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ कैसे कैसे लाइट आती है। जी अभी फरमाइए, शक्ल दिखाए ना आप, मैं आपकी नूरानी जगह बैठी हूँ। शक्ल दिखाए, ऊपर कर, नीचे करें कैमरा, जरा हिलाए ना इतना ज्यादा। क्यों नीचे करें ना, शक्ल नहीं दिख रही। क्यों शादी करेगा हमारे साथ जो शक्ल देखना पसंद करता है? शायद कर लूं, आपकी लक अच्छी हो तो शायद। मैं तो ऐसी से किसी गैर से लड़की से शादी नहीं करता। तो आप बाद में करेंगे शादी की बात, पहले शक्ल तो दिखाइए आप। नीचे करें थोड़ा। नहीं आप ये चढ़ी हुई है बंदे को मेरा भाई साहब, सांस ले ना, ऐसी बात करने का मजा इधर इधर मुझे इधर भी तुम आएगा ना, इधर भी तुम आएगा ना, तो तुम सांस भी नहीं, तो तुम बिल्कुल ऐसे भी बैठेगा कि तुम सांस भी किधर से लेते और निकालते भी किधर से। ऐसा क्या कर दिया अरबियों ने आपके साथ भाई, कि आपको पता नहीं चल रहा आप सांस? अरबी हमारे साथ क्या करेगा, हम तो खुद पटाने, अरबी हमारे साथ क्या करेगा? ये बात तो सही है, आपने तो खुद पटाया। अरबी तुम तो पठान पहचानता नहीं है मेरे ख्याल। नहीं मैं अभी पहचान है आपको, मेरे पास बड़े पठान आते हैं। अच्छा आता है, इसलिए तुम तो समझदार है ना? हाँ मैं समझदार हूँ ना, वो मुझे उनसे कोई खतरा ही नहीं होता, उनको वो चाहिए नहीं है जो मेरे पास है, उनको चाहिए होते हैं लड़के। तुम तो सेफ जगह में, इसलिए तुम इतना भड़कता है ना, इसलिए इतना बात करता है। क्यों, अगर मैं पाकिस्तान में होती तो आपने क्या करना था मेरे साथ? तुम तो इसलिए ऐसा बात करते है ना। नहीं तो आप क्या करते हैं, अगर मैं सेफ कंट्री में नहीं होती तो आप क्या करते हैं? इसी कंट्री में क्या अभी करते है नहीं, इसलिए से बात करते हैं। तो क्या करते हैं आप, क्या करते हैं अगर मैं पाकिस्तान में भी होती तो आप क्या करते हैं? मैं जी आप अपनी शक्ल तो दिखाते तो हुए डर रहे हो यार आप। ये तो टाइम टाइम का, ये तो टाइम टाइम का बात है ना। कुछ नहीं, आप शक्ल तो दिखा नहीं सक रहे हैं यहाँ पर, आप आए यहाँ पे हिफाजत करने की चीज की, आप शक्ल दिखा नहीं रहे, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप शक्ल दिखा दो अपनी, आप बैठ के नीचे रंगी बोल रहे हो। अरे शक्ल हिम्मत बोलो, हिम्मत का बात, हिम्मत का बात है नहीं, अगर हिम्मत का बात कौन सा हिम्मत का बात है, हिम्मत का बात आ गया ना,
पठानों के अंदर हिम्मत होती है, आप कहाँ के पठान है, पठानों की नाक कटवा रहे हैं, पठान ऐसे कमजोर किसको? और वो नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कौन? हाँ इस मुसलमान पठान तो बिल्कुल ही बुजदिल नहीं होता, आप तो दोनों मुसलमानों की भी नाक कटा रहे हैं तो पठानों की भी नाक कटा रहे हैं। नहीं 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 ऐसा तो है, मैं नहीं, ऐसा हो रहा है, देखिए सबके सामने हो रहा है। मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, तुम तो किसी का बात तो सुनता नहीं पहले, तुम तो किसी, मेरा बात सुनो, तुम तो कैसे, तुम तो किसी को पहले बात सुनता भी नहीं, किसी को नंबर भी नहीं देते कि भाई इसका बात सुनो फिर अपना बात कर, तो या तो किसी का बात पहले सुनो। मैं क्यों नंबर दूं अपना, मैं ऐसे जैसे थोड़ी और किसी को अपना नंबर दे देती हूँ। नहीं नंबर ऐसा नहीं, तुम तो इतना इतना समझदार भी फिर भी नहीं सोचते कि नंबर किसको बोलते, मैं बात का नंबर बात बोलता हूँ कि भाई पहले तो बात का नंबर दे दो कि ये पहले अपना बात करेगा बाद में हम अपना बात करेगा, ऐसा डिस्कशन होता था ना। बोले बोले। नहीं नहीं अभी तो तुमने ऐसा किया कि पहले नमक डाल दिया फिर उसके ऊपर मर्च डाल दिया, ऐसा किया तुमने। तो आप है ना मर्द, अब शक्ल नहीं दिखा रहे, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? कौन कौन मैं? ये मर्द और नमर का अभी ऐसा पता नहीं कर जाते ना। नहीं कैसे नहीं होता, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, आप शक्ल ही नहीं दिखा रहे, आप डर रहे हो, मान लो आप डर रहे हो बस। पठान जी अच्छा, ये जब वक्त आ जाएगा फिर पता चल जाएगा ना कि पठान डरते तो कि नहीं डरते। पीछे से वार करना है, पठान तो वैसे ही पीछे से वार करते हैं ना। कौन 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 पीछे कौन किसी कौन पीछे से वार करते हैं, ये तो आपका गलत फहमी है ना, इसलिए तुम ऐसा बात करते हैं, कौन पीछे से वार करते हैं? आप शक्ल नहीं दिखा रहे, आप डर गए, आप डर गए, हाय हाय पठान जी डर गए। चलो पठान जी आपके अंदर हिम्मत नहीं है, मैं ढूंढ रही हूँ कोई हिम्मत वाला जो शक्ल आगे मुझको बात करे, और रंडी बोलो शक्ल पे बोलो, ये क्या पीछे से पिछवाड़े से बात कर रहे हैं आप? कहाँ पिछवाड़े से? नहीं नहीं पिछवाड़े नहीं, हमारा ये हमारे देख ले। नहीं देख लिया, नहीं दिख रहा, कमेंट में छुप रहे हैं सारे। नहीं नहीं ऊपर कर, नीचे करें कैमरा थोड़ा नीचे करें, फ्रेम में आइए। कौन फ्रेम में आ गए? मैं रोक के रखी कैमरा, रोक के रखी ताकि हिला रहे हो इतना आप। ये बाहर है ना, ये इधर अंधेरा भी है ना, इधर देखो ये अंधेरा भी है ना, आपको लाइट है लेकिन पड़ी हुई है, लाइट है लेकिन उधर ये दूर है, लाइट है लेकिन उधर दूर है ना। नहीं आपने जैसे कैमरा पकड़ा हुआ था ना वो पकड़े वैसे, बस हिलाएंगे नहीं, जरा हिलाना जो है ना कम करें, आपकी भीड़ का हिलाने की ज्यादा आदत पड़ी है अभी भी इतना। अभी सही हो गया, नीचे करें कैमरा, नीचे करें, नीचे नीचे ऐसा कैमरा नीचे करें, यूं करें फोन को डाउन। अभी सामने तो मैं आ सकता नहीं ना, उधर जो तुम बोलते हैं अभी कैमरे में इतना तो है नहीं, मोबाइल इतना मोबाइल है इसमें किस समय आएगा इतना मोबाइल, आप मोबाइल जैसे पकड़े हुए ना उसको थोड़ा सा नीचे कर दो बस, नीचे की तरफ थोड़ा और, थोड़ा नीचे और, हाँ देखिए ना अभी सही दिख रहा है, वरना इतना ऊपर की शक्ल हिम्मत वाला है बंदा, हिम्मत वाला है बंदा, हिम्मत वाला है, मान लिया आपको, हाँ बहुत हिम्मत है, बड़ी हिम्मत है जी। और क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये जो ये बात है ना कि हम अपना इज्जत में ना हम खुद करता है, तुम अभी पहले लाइव में आया ना, आदमी आपके साथ बात कर रहा था ना, बात इसी पे बात करेगा ना, हम अपना इज्जत खुद कर सकते हैं, ये नहीं कि हम किसी को उंगली उठाने की भाई इसका ये हाल है। ओके हम अपना इज्जत इसलिए कर दे क्योंकि हमको ये पता है कि एक दिन तो मरना है, सही है, मरना तो है ना, ये तो हमारा लाजिम है, ये कन्फर्म है कि हम तो एक दिन लाजिम मरना है। हाँ जी, तो जो तो इसके लिए हम पहले से तैयारी करना है ना कि भाई हमारे लिए जो ना कपड़ा आया ये बिल्कुल पूरा आया। क्या आया? कपड़ा है, कपड़ा कपड़ा कपड़ा। अच्छा हाँ हाँ, इसमें हम अपने बदन भी जो ना, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, देखिए अल्लाह मियां ने और कपड़े वहां कहा था कि कपड़े पहन के रखना है, सब कुछ ढक के रखना है, तो फिर हम नंगे क्यों पैदा होते हैं? यार नंगे पैदा होता है, नंगे पैदा होते है, नंगे भी जाते है, इसके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं, जब तो फिर कपड़ा कहाँ से आ गया बीच में?
पहले लोगों के पास तो कपड़े भी नहीं होते थे, ये तो कपड़ा जब इजाद हुआ तब, उससे पहले तो नंगे घूमते थे सब लोग। नहीं उस जमाने का तो बात करेगा तो वो तो उसी टाइम का तो है नहीं, उस टाइम में क्या अभी तो है, अल्लाह ने आपको दिमाग भी दिया। हाँ तो उस टाइम में तो कपड़ा है नहीं था, वो तो इंसान ने अपना दिमाग लगा दिया ना, अल्लाह ने कपड़े पहना के क्यों नहीं भेज दिया, अगर उन्होंने कहा था कि कपड़े पहनने जरूरी है, नंगा क्यों पैदा कर दिया। मेरा बात सुनो, उस टाइम ने ना, उस टाइम ये जो कपड़ा भी नहीं था ना, अल्लाह ने कपड़ा भी दे सकता था लेकिन नहीं दिया ना, क्यों नहीं दिया? लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी दी है ना कि भाई ये लोग हमारा हक अदा कर सकते कि नहीं अदा कर सकते, ऐसा है कि नहीं? नहीं देखें अल्लाह मियां ने बहुत सारी मिस्टेक्स की ना, देखें आपको पैदा कर देते हैं अल्लाह मियां, ठीक है, और जब आप पैदा हो जाते हैं ना मर्द, तो कहते हैं इनकी नौ जात को खतने कर दो। अरे अल्लाह मियां जी आप खुद ही खतने करके पैदा करवा देते हो। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, मेरा बात मैं तो अपना बात करता हूँ ना, आपके खतने भाई, आपके खतने भाई उसी का, मेरा तो तुम बात सुनो, मैं बोलता हूँ ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ कि मैं आपके ऊपर उंगली उठाता हूँ जी, मैं ये बात करता हूँ कि भाई हम समझदार हैं, हमको पता है कि ऐसा करना है, अभी हम ऐसा रोड क्रॉस करते हैं, रोड के ऐसा जाते हैं, रोड के ऊपर ऐसा सिग्नल के ऊपर जाते, सिग्नल में ऐसा आता है कि नहीं ये सिग्नल है ना, ये ग्रीन हो गया, अभी हम ऐसा सीधा स्ट्रेट जाता है, लेफ्ट राइट साइड पे तो नहीं जाते, सीधा जाते है ना, आपको खुद पता है कि गाड़ी इधर से बंद हो गया, अभी ग्रीन हो गया सिग्नल में हम जा सकते हैं, अगर ग्रीन नहीं है तो फिर हम सीधा जा सकते हैं, नहीं जा सकते है ना, लॉजिक नहीं बन रही ना, देखें अभी हम आपको अगर आप कहते हैं कि अल्लाह मियां कोई गलती नहीं कर सकते, उन्होंने हर चीज परफेक्ट बनाई है, इंसान को परफेक्ट फॉर्म में बनाया है, तो सुने ना सुने बिल्कुल, तो फिर अल्लाह मियां कैसे भूल गए कि भाई खतने भी होने थे, अगर परफेक्ट बनाया तो पहले खतने करवा के पैदा करवाना था, बेचारे को पैदा करो, फिर उसकी बेचारी की काटो, उसको तकलीफ दो, फिर औरतों को पीरियड दे देते हैं, हैज दे देते हैं, और फिर कहते हैं औरतें नापाक हो जाती हैं, भाई दिए क्यों, दिए क्यों, लाइफ हमारी मुसीबत गले में डालने के लिए दिए क्यों नहीं देते आप, ठीक है, फिर इंसान की बॉडी में बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं है, अल्लाह मियां ने पता नहीं वो क्यों दिए हमको, हमें पता ही नहीं है उसके कोई पार्ट नहीं है, साइंसदान कहते हैं ये टेल बोन जो है हमारी, वी डोंट नीड दैट, मगर वो टेल बोन हमारी चलती आ रही है जब हमें जमाने में जानवर होते थे, आजकल पता है चंद लोग हैं उनकी वापसी से दुम होती है, पता हम आपको क्या बोलते, आपको खुद पता है कि अभी हम ये अभी ये कमरा है, कमरे से हम ऊपर ऐसा ऊपर छत पे आ जाते हैं, हमको पता है कि हम आगे जाएगा नीचे गिर जाएगा, हमको इतना पता है ना, हाँ तो हम बोलते कि हम इसमें हमारा नुकसान है, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि इसमें हमारा नुकसान है, फायदा नहीं। हाँ तो वही तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका दिमाग कहता है कि इससे आगे कदम मत रखना, तुम नीचे गिरोगे मर जाओगे, तो यही दिमाग मेरा कहता है कि अगर कोई कह रहा है कि मैंने परफेक्ट इंसान बना के भेजा है, तो भाई वो काम पहले कर देना था, आपने खतने बाद में क्यों करवाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। चले मैं और लोगों से भी मुझे बातें करनी है, आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए जल्दी से। नहीं मैं और क्या बात करेगा, मैं आप सिर्फ आपके लिए इतना बोल दिया कि भाई जो आप तस्वीर अपलोड करता है, अपने वीडियो अपलोड करता है, मैं तुम्हारा पूरा आईडी चेक किया, एक नहीं, तुम जो ना जुमरात के दिन या जुम्मे के दिन या हफ्ते के दिन तुम जो लाए आते, मैं तुम्हारा वीडियो देखता हूँ पूरा, अभी मैंने तुम्हारा मेरे मोबाइल में देखो, मेरा मेरा फेसबुक आईडी भी चेक करो, खुद चेक करो, मेरा व्हाट्सएप भी इसमें अंदर है, चेक करो पूरा, देख कर आप मेरी तस्वीरें और वीडियो देख कर फिर क्या करते हैं? मैंने अभी भी चेक किया, पहले मेरे ख्याल में पहले संडे को या सैटरडे को मेरे ख्याल में तुम्हारा आईडी भी तुम लाइव आया, नहीं पहले इससे पहले भी लाइव आया, मैं भी वो इस टाइम तुम्हारा लाइव वीडियो देख लिया, तो मैंने कुछ भी नहीं, कुछ कमेंट्स भी नहीं, या मैंने कुछ कमेंट्स भी नहीं, कुछ कमेंट्स भी नहीं, क्या बोला था कि भाई अल्लाह इनको हिदायत दे बस, मैंने बस ये भाई अल्लाह इनको हिदायत दे बस। सुने मेरी बात, सुने आप मेरी नंगी नंगी तस्वीरें देखते हैं, ये हराम है, क्यों मैं अपनी आईडी पे लगवाएगा, आप मेरे साथ तुम्हारा आईडी चेक किया कि भाई ये तो
मैं तो तुम्हारा आईडी इसलिए चेक किया कि भाई ये तो लाइव में ऐसा है आया कि नहीं, पूरा आईडी भी ऐसा अपलोड किया, वीडियो भी ऐसा किया, तस्वीर भी ऐसा किया, यानी तुम्हारा पूरा चेक किया कि भाई ये वीडियो भी ऐसा है, तस्वीर भी ऐसा है, पूरा आईडी भी चेक किया तो है, वो भी ऐसा है। ऊपर से नीचे तक एक एक निशान और एक एक तिल तक इन्होंने चेक किया है कि मेरी बॉडी में कहां इस्लाम को बचाने की बॉडी करनी जरूरी है। तुम अपना खुद अपने विषय की करते हैं, आप जब तक एक सब्जेक्ट को स्टडी नहीं करोगे तो उसको जवाब कैसे देंगे। तो इन्होंने एक एक बिकिनी की पिक्चर जाके जूम इन कर करके इन्होंने देखी। नहीं जूम नहीं किया, नहीं 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 ये झूठ है, जूम नहीं किया, पक्का बात करता हूँ, जूम नहीं किया, सिर्फ नहीं नहीं जूम भी नहीं किया, सिर्फ ऐसा चिक करके ऊपर ऊपर बस चिक किया कि भाई ये वीडियो है, ये तस्वीर है। इंस्टाग्राम भी हम चिक करते है, इंस्टाग्राम भी चिक करते है, सब कुछ चिक करते है, लेकिन तुम तो तुम्हारा पूरा आईडी गंदा, तस्वीर है गंदा, वीडियो हुए जो भाई अपना बदन पूरा दिखाते, तो क्यों ऐसा करते है मेरी जान, क्यों ऐसा करते है? मजा 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 इसमें है नहीं, मजा इसमें है नहीं, मजा जब हम मजा इसमें इसलिए नहीं है कि भाई जब कब्र में जाएगा एक तरफ एक दीवार है, दूसरा तरफ दूसरा दीवार है, पीछे से भी दीवार है, तो फिर हमको आप भी पता चल जाता, आप मरोगे तो आप भी तो देख के वही चीज जा रहे हो। आप लोगों की वजह से तो आप लोगों की वजह से तो हमारा ये आप लोगों की वजह से तो हम जन्नत में नहीं जाएगा ना, आपको पता है। आप तुम लोग तो खुद दोजख ही है, तुम लोग तो खुद दोजख में जाते हैं, आप लोगों की वजह से तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे, हम जाएगा तुम्हारे साथ। नहीं 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 सामने सुने ना, अल्लाह मियां के सामने मैं और आप दोनों खड़े होंगे, वो कहेंगे अगर अगर आप लड़की बात सुने, अल्लाह मियां कहेंगे तुमने सब कुछ दिखाया तुम जहन्नम में जाओगी, तो अल्लाह से कहेंगे तुमने सब कुछ देखा तुम भी जहन्नम में जाओगे इसके साथ, हम दोनों साथ में चलेंगे वहाँ। नहीं 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 ऐसा है नहीं, क्योंकि क्योंकि गलत को सही रास्ता दिखाना है, गलत को सही रास्ता दिखाना है हमारा फर्ज है, गलत को सही रास्ता दिखाना हमारा फर्ज है। ये सड़क आपको सीधा जहन्नुम में लेके जाती है जो आप देख रहे हैं। कौन कौन मैं तो आपको देख रहे हैं, मैं तो नीचे देखता हूँ, मैं तो नीचे देखता हूँ, ऊपर आपको देखता भी नहीं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नहीं मैं अपने इस तरफ देखता हूँ, आपको नहीं देखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और फिर बताने आपको बिल्कुल देखता नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा है नहीं, क्योंकि तुमने ऐसा ऐसा अपना ऊपर ऐसे दिखा दिया लोगों की, भाई इसमें क्या है, ये किसी का और आपसे खूबसूरत लड़की भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। आप नीचे और पीछे देखें, आप नहीं ऐसा हमें आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं, आप लोग ऐसा करते हैं, ये सब आप ऐसा करते हैं, क्यों हम ऐसा है नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सब पठान रोजाना मेरी कॉल्स एक एक कॉल मुझे अगर आ जाए ना तो मैंने मिलियन, वो तो आपको इसलिए करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा हिदायत देते हैं कि भाई थोड़ा ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं करो, पूरा पठान आपको पूरा पठान जो आपको कॉल करते हैं इसलिए करते हैं, ऐसा नहीं कि आप बस कपड़ा उतारो, हिदायत देने के लिए पठान जी। चले पठान जी, थैंक यू। नाम क्या है वैसे पठान जी? आईडी पे खुद चेक करो, आईडी दिख नहीं रही है ना आपकी इस वक्त, वैसे आप बता दें, वैसे ही बता दें, आईडी पे नाम लिखा है एमडी जाहिद और ऐसा पूरा नाम है, और पूरा नाम जो है ना, आगे बढ़ती हूँ जाहिद जी, और बहुत सारे पठान बैठे हैं नीचे मेरे लिए, और अच्छा चलो सही ओके खुद हाफिज। हे गर्मी, ऊपर से पठान की बातें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।